हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सरण कुमार, आप देख रहे हैं इंडियन जुगाड़ टेक। दोस्तों, रियलमी वन काफ़ी सक्सेसफुल स्मार्टफोन रहा था, इसकी वजह से जो रियलमी था उसको काफ़ी पॉपुलरिटी यहाँ पर मिली और लोग वेट करने लगे रियलमी टू के लिए। लेकिन रियलमी टू के लिए जो वेट कर रहे थे लोग, उन्हें रियलमी टू इतना पसंद नहीं आया। फिर भी रियलमी टू यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर रहा, क्योंकि वो भी आपको काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा था और वो भी काफ़ी अच्छे प्राइस में। लेकिन आपको पता है कि लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, जब रियलमी टू अनाउंस किया गया था तो उसी समय बताया गया था कि रियलमी टू प्रो भी आने वाला है जल्दी। तो अब रियलमी टू प्रो फाइनली आने वाला है 27 सितंबर को। तो आज के इस वीडियो हम यही बात करने वाले हैं कि रियलमी टू प्रो के क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर रहने वाले हैं और कितना इसका प्राइस होगा। सारी डिटेल आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर डॉक्टर फोन की तरफ से किया जा रहा है न्यू 2018 आईफोन का गिव अवे। तो इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डायरेक्ट आपको इस पेज पर आना है और आपको गैस करना है कि न्यू आईफोन का क्या नेम होने वाला, आईफोन 9 और आईफोन 11। तो यहाँ पर जो है आपको अपना वोट करना है, उसके बाद आपको अपना नेम और ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करके सबमिट कर देना है और इनके फेसबुक पेज को आपको लाइक कर लेना है, क्योंकि 10 अक्टूबर को जो रिजल्ट्स होंगे गिव अवे के, वो फेसबुक पेज पर ही अनाउंस किए जाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से इस गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कर लीजिए, मैंने जैसे बताया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी कम समय में यहाँ पर रियलमी ने काफ़ी जो है सक्सेस गेन कर ली। आपको पता होगा कि अभी रियलमी 2 जो लॉन्च किया गया था, इसकी जो दो ही सेल फिलहाल हुई है उनमें जो है 3,70,000 यूनिट सेल किए गए हैं रियलमी 2 के। यानी कि रियलमी 2 को भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि प्राइस के हिसाब से जो स्पेसिफिकेशंस आपको दिए जा रहे हैं वो काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशंस दिए जा रहे हैं। तो अब लोग वेट कर रहे हैं रियलमी 2 प्रो के लिए। तो फाइनली यहां पर अनाउंस कर दिया गया कि रियलमी 2 प्रो लॉन्च किया जाने वाला है 27 सितंबर को। तो यहां पर जो कुछ भी लीक्स निकल कर सामने आ रहे हैं उनमें ये बताया जा रहा है कि जो रियलमी 2 प्रो होने वाला है, फिलहाल अभी ओप्पो की तरफ से लॉन्च किया गया था ओप्पो का F9 या F9 प्रो। तो बताया जा रहा है कि इसी को जो है रियलमी 2 प्रो के नाम से लॉन्च किया जाने वाला है। और यहाँ पर जो ओप्पो F9 के स्पेसिफिकेशंस थे वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। आपको पता होगा वहाँ पर आपको 6.3 इंच का एक फुल HD डिस्प्ले मिलता था, जहाँ पर आपको एक ड्रॉपलेट वाला नॉच प्रोवाइड किया गया था। और बात करें वहाँ पर रैम की, तो वहाँ पर आपको 4GB रैम मिलता था, 64GB का इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड किया गया है। और जो प्रोसेसर आपको मिलता है वो सेम वही प्रोसेसर आपको प्रोवाइड किया गया है जो आपको रियलमी 1 में मिलता था, मीडियाटेक का हीलियो P60 प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। कैमरे की बात की जाए तो रियर में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है 16 प्लस में 2 मेगापिक्सल का, सामने की तरफ भी आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। और जो बैटरी स्मार्टफोन में आपको प्रोवाइड की गई है वो यहाँ पर आपको 3500 mAh की प्रोवाइड की गई है। और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड ओरियो 8.1 पर काम करता है, जो कि यहाँ पर चलता है कलर OS 5.2 पर। तो अब ये जो ओप्पो F9 होने वाला है वो आपको मिलेगा रियलमी 2 प्रो के नाम से। तो अभी जो इसका प्राइस है, यानी कि ओप्पो F9 का जो प्राइस है, जो इसका ओप्पो F9 का जो बेस वेरियंट है 4GB रैम वाला, उसका जो प्राइस है 19,990 रुपए है। लेकिन जो रियलमी 2 प्रो होने वाला है उसका प्राइस दोस्तों इतना नहीं रहने वाला, उसका प्राइस यहाँ पर काफी कम रहने वाला है। लगभग उसका जो प्राइस होगा वो 15,000 रुपए के आसपास होगा। यानी कि आपको काफी अच्छे स्पेसिफिकेशंस इस बार देखने को मिलेंगे रियलमी 2 प्रो में, वो भी काफी अच्छे प्राइस में। तो यहां पर अभी तक जो न्यूज निकल कर आ रही वो सिर्फ यही न्यूज निकल कर आ रही है कि ओप्पो F9 या F9 प्रो को लॉन्च किया जाने वाला है रियलमी 2 प्रो के नाम से। तो दोस्तों, अगर ओप्पो F9 को भी यहां पर रियलमी 2 प्रो के नाम से लॉन्च किया जाएगा 15,000 रुपए के आसपास, तो मेरे हिसाब से ये काफी बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है आप लोगों के लिए। वैसे आप लोगों का क्या ओपिनियन इस बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।